महाराष्ट्र के किसानों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन दिनों राज्यों में हो रही भारी बारिश के कारण जहां सोयाबीन, कपास और अन्य तैयार फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, वहीं नासिक जिले में तेज बारिश के कारण प्याज की खेती बर्बाद हो गई है। खेतों में पानी भर जाने से प्याज के पौधे खराब हो रहे हैं। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। प्याज उत्पादकों का कहना है कि बाजारों में वैसे भी प्याज का दाम बेहद कम है, ऊपर से बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। बहुत से किसानों ने प्याज का स्टॉक किया था। उन्होंने सोचा था कि जब बाजारों में अच्छा दाम मिलेगा तब वो बेच देंगे, लेकिन प्रकृति की बेरुखी के कारण स्टोरेज किए हुए प्याज सड़ रहे हैं। ऐसे में किसानों को जबर नुकसान हो रहा है। बारिश के कारण प्याज की फसल खराब होने से नए प्याज के उत्पादक में भी गिरावट आ सकती है। इसकी वजह से प्याजों में बाजारों में प्याज की आवक देरी से भी पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। वहीं नासिक जिले में रहने वाले किसानों का कहना है कि उन्होंने प्याज का स्टोरेज किया था, जो कि मौसम बारिश होने से लगभग 25-30% तक खराब हो चुका है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने नए लाल प्याज की भी खेती की थी, लेकिन बारिश में पौधे पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। ऐसे में 1-2 महीने में लाल प्याज देरी से बाजारों में पहुंचेगा। वहीं किसानों का कहना है कि गर्मियों का प्याज का दिवाली में अच्छा रेट मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि अब कीमतों में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन बारिश ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ऐसी स्थिति में हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वही किसान अब सरकार से दीपावली से पहले ही मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। उधर लासलगांव की मंडी में 10 अक्टूबर को 9315 क्विंटल प्याज की आवक देखने को मिली, जिसका न्यूनतम दाम 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा, तो वहीं अधिकतम दाम 2381 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं पीपलगांव मंडी में भी 2200 क्विंटल सोयाबीन की आवक देखने को मिली थी, और उसका भी भाव जो है वो 700 रुपए प्रति क्विंटल नीचे में देखने को मिला। आपको बता दें कि प्याज की फसल को बेहद नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है, जिसके चलते नई प्याज की आवक में भी देरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।